सदगुरु कबीर की एक साखी है, गावे कथय विचारे नाहीं, अनजाने का दोहा। कहें कबीर पारस पर से बिना, जस पाहन भीतर लोहा। लोग साखी शब्द भजन दोहा चौपाई आदि को गाते हैं, किंतु विचार नहीं करते हैं। इसलिए उनका गाना और श्रोताओं का सुनना दोनों अनजाने के समान हो जाते हैं। गाकर, गाने का मतलब यहाँ केवल गाना ही नहीं है, कहना, और कहने के साथ साथ सुनना। यदि गाकर, कहकर और सुनकर उस पर विचार नहीं किया गया और विचार करने के पश्चात आचरण नहीं किया गया, तो गाना, कहना और सुनना अनजाने के का अनजाना रह गया, उससे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सद्गुरु कहते हैं, जैसे पारस पत्थर के साथ ही लोहा रहता हो, किंतु लोहा में जंग लगा होने के कारण या लोहा में कीचड़ लिपटे होने के कारण उसका पारस से स्पर्श नहीं हो रहा है, तो लोहा सोना कैसे बनेगा? और यदि लोहा सोना नहीं बन पाया तो नुकसान किसका होगा, लोहे का या पारस का? पारस का कोई नुकसान नहीं होगा, जो नुकसान होगा लोहे का होगा। क्योंकि यदि लोहा सोना नहीं बना तो उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी। लोहे और सोने की कीमत में बहुत अंतर है। लोहा लोहा ही रह जाएगा, कीमत नहीं बढ़ेगी सोना न बनने के कारण। और दूसरी बात, यदि लोहा सोना न बन पाया तो वातावरण धूल मिट्टी के प्रभाव से उस पर जंग लगता जाएगा, और धीरे धीरे जंग लगते लगते वह लोहा एक दिन खत्म हो जाएगा। सोना बन जाता तो जंग ना लगता और खत्म ना होता। यही बात हमारे जीवन की है। यदि जो हम गाते हैं और सुनते हैं उनका जीवन में प्रयोग नहीं करते तो हमारे जीवन का मूल्य बढ़ेगा नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं होगी। आचरणहीन मनुष्य की क्या कीमत, आचरणहीन मनुष्य
कभी सच्चे अर्थों में सुख का अनुभव नहीं कर सकता। और आचरणहीन मनुष्य का कोई कल्याण नहीं कर सकता। आचारहीन न पुनंत वेदा, आचरणहीन मनुष्य को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते हैं। तो आचरणहीन जीवन निष्प्रयोजन जीवन, और धीरे धीरे दोष दुर्गुणों में पड़ करके जीवन समाप्त हो जाएगा। जीवन तो वैसे भी समाप्त होता है, लेकिन बड़ा अंतर, लोहे का जंग, लोहे का मोर्चा उसी लोहा में से ही पैदा होता है, अलग से नहीं पैदा होता। हवा, पानी, नम वातावरण, सहयोगी भले हों, लेकिन लोहे का मोर्चा उसी लोहा में से ही पैदा होता है और वही लोहा को खा जाता है। ठीक ऐसे ही यदि हमने अपने ज्ञान का जीवन में प्रयोग नहीं किया तो हमारे भीतर से ही, हमारे मन के भीतर से, हमारे अंतःकरण से ही अज्ञान और विकारों का मोर्चा पैदा होगा, और हमारा ही अज्ञान, हमारा ही मनोविकार हमको खा जाएगा। कहीं विकार बाहर से पैदा होते हैं? अज्ञान को भीतर, अज्ञान को हमारे भीतर डाल देगा? अज्ञान हमारे भीतर से पैदा होता है, पैदा होता है कि हम अज्ञान में तो जी ही रहे हैं, और अज्ञान में जी रहे हैं इसका मतलब मनोविकारों में जी रहे हैं। अज्ञान मनोविकार अज्ञान की उपज, अज्ञान न हो तो मनोविकार कैसे पैदा होंगे? कितना हम पढ़े हैं, कितना हम जानते हैं, कितना हम सुंदर बोल लेते हैं, यह हमारे ज्ञान की कसौटी नहीं है। ज्ञान की कसौटी है अपने आप का बोध होना, आत्मज्ञान और आत्मशोधन द्वारा जीवन का पवित्र निर्मल हो जाना। बहुत गाए, बहुत सुने, बहुत पढ़े, लेकिन अपने आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। तो गाना, कहना, सुनना, पढ़ना क्या महत्व रखता है? इसीलिए सद्गुरु कबीर ने कहा, साखी शब्द गावत भूले आत्म खबर न जाना। उन्होंने देखा होगा अपने जमाने में ही कि लोग साखी शब्द तो गा रहे हैं, लेकिन इन्हें आत्मा की खबर नहीं है। सद्गुरु कबीर के पहले दोहा को किसी ने साखी कही है या नहीं कही है, यह खोज का विषय है। दोहा एक छंद है जिसके पहले चरण में 13 मात्रा और दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सभी ने इसे दोहा कहा है, लेकिन सद्गुरु कबीर ने इसे साखी कहा है। उनके पहले और किस किस ने साखी कहा है, ये शोध का विषय है। सद्गुरु कबीर के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अनेक मान्यता और अनेक संस्कारों के लोग
उनके पास जुड़ गए होंगे, साथ रहने लगे होंगे और उनके बनाए शब्दों को, भजनों को, साखियों को लोग गाते भी रहे होंगे झूम झूम करके। लेकिन साहब ने देखा होगा मेरे ही बनाए शब्दों को साखियों के लोग गा तो रहे हैं लेकिन इनका मर्म इन लोगों को पता नहीं है, बस खाली गाना ये लोग जानते हैं, गाकर लोगों को प्रभावित कर देते हैं। आत्मा अनात्मा की इन लोग परख नहीं। तब साहब ने ये पंक्ति कही कि साखी शब्दे गावत भूले आत्म खबर न जाना। ये लोग साखी शब्दों को गा गा करके भूल रहे हैं, इन्हें स्वयं की खबर नहीं है। तो गाने का मूल्य क्या हुआ? तो अज्ञान का अर्थ क्या है? अज्ञान का अर्थ है एक तो स्वयं अपने आप से अनभिज्ञ रहना, और दूसरी बात मनोविकारों में डूबे रहना। हमारे मनोविकार हमारे अज्ञान की पहचान है। ये अनेक भाषाओं का ज्ञान हो जाना, सुंदर प्रवचन कर लेना, सुंदर भजन गा लेना, ये कोई ज्ञानी होने की पहचान नहीं, ये सब अभ्यास है। मूल बात सदगुरु कबीर की है, गावे कथे विचारे नाही। गाने वाले बहुत मिलेंगे, कहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन विचार करने वाले बिरले होंगे। सब समय ऐसा रहा है, आज है और आगे होगा। गाने कहने सुनने वालों की कमी थोड़े रही है, कमी रही है विचार करने वालों की, और विचार करके आचरण करने वालों की, जीवन जीने वालों की। जिन्हें आत्मबोध है और जिनका जीवन निर्मल है, सही अर्थों में वही ज्ञानी है। भले वह एक अक्षर पढ़ना न जानता हो, एक अक्षर लिखना उन्हें न आता हो, लेकिन वही असली ज्ञानी। जीवन की निर्मलता, पवित्रता, आचरण संपन्नता, यह ज्ञानी होने की पहचान है। लेकिन इस मूल बात को हम लोग भूल जाते हैं। क्योंकि अनादि का अभ्यास विषयों का, और उधर है आकर्षण, तो हमारा गाना कहना सब कुछ हवा में उड़ जाता है और रह जाते हैं खाली की खाली, पछताते पछताते यहां से विदा हो जाते हैं। कितना हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है यह देखने की बात है। परिवर्तन हमें स्वयं करना होगा, अन्य लोग उस परिवर्तन के लिए हमें प्रेरणा दे सकते हैं, बाहर से सहयोगी बन सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन को परिवर्तित नहीं कर सकते। परिवर्तित हमें स्वयं करना होगा। तो आचरण का महत्व, इसीलिए महाभारत कार ने युधिष्ठिर के मुख से कहलवाया, पठका पाठकाश्चैव चान्ये शास्त्र विचिन्तकाः।
सर्वे विष्णुनो मूर्खा, यह क्रियावान सब पंडिता, पटका, पटका मतलब पढ़ने वाले, पाठकाश्य पढ़ाने वाले, चान्य शास्त्र विचिंतका, और इन दोनों के अलावा अन्य लोग जो शास्त्रों पर चिंतन मनन करने वाले हैं, बारीक से बारीक व्याख्या शास्त्रों की कर लेते हैं, एक एक सूत्र पर घंटों क्या दो दो चर चर दिन तक प्रवचन कर लेते हैं, लेकिन ये उनके ज्ञानी होने की पहचान नहीं। युधिष्ठिर जी कहते हैं ये सब लोग पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और शास्त्रों पर चिंतन मनन करने वाले सर्वे व्यसनिनो मूर्खा, सब व्यसनी हैं और मूर्ख हैं। एकदम कड़ी भाषा में कठोर शब्द, तिलमिला देने वाला शब्द। हम लोग गिनती भी उसी व्यसनी और मूर्ख में हो सकती है। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बस सुधार रहे हैं, सुन रहे हैं, एक व्यसन बन गया बस। मूर्खता अभी दूर नहीं हुई है। यद्यपि कोई हमें मूर्ख कह दे तो हमें सहन नहीं होगा, हम झगड़ पड़ेंगे, लड़ जाएंगे, और बस चले तो दो चार चांटा भी लगा देंगे कि तुमने कैसे मुझे मूर्ख कहा। लड़े ना, झगड़े ना, चांटे ना लगाएं, लेकिन चेहरे का भाव बदल जाएगा, चेहरे में तनाव आ जाएगा कि इन्होंने मूर्ख मुझे कह दिया। और यदि हमारे चेहरे में तनाव आया, किसी ने कहा कि तुम मूर्ख हो, हमारे चेहरे में तनाव आ गया, एक बार गुस्सा का भाव, हम लड़ गए, झगड़ गए, तो हमने सचमुच सिद्ध कर दिया कि हम मूर्ख हैं। मूर्ख ना होते तो चेहरे में गुस्सा क्यों, भाव क्यों झलकता, तनाव क्यों आता? मूर्ख ना होता तो तुम मूर्ख हो यह बात सुन करके हमें क्रोध क्यों आता? क्रोध आया मतलब हम मूर्ख हैं। हमें मूर्ख बने रहने में कोई लज्जा नहीं है, मूर्ख कहलाने में लज्जा है। मूर्ख बने रहने में हमें दुख का अनुभव नहीं होता, दुख का अनुभव होता है मूर्ख कहलाने में। दुनिया भर के लोग हमें मूर्ख कहते रहें, किंतु हमारे भीतर की मूर्खता मिट चुकी है तो हमारा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है दूसरों के मूर्ख कहने से। अब मूर्खता नहीं मिटी, लोग कहते हैं वाह भाई बड़े अच्छे प्रवचन करने वाले हैं, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, भैया शास्त्र के एक एक पंक्ति पर घंटों घंटों बोलते हैं, तो हमारा कौन सा कल्याण हो जाएगा? इसीलिए युधिष्ठिर कहते हैं ये पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और शास्त्रों के चिंतन मनन करने वाले सब व्यसनी हैं और मूर्ख हैं, तब ज्ञानी कौन? यह क्रियावान, जो आचरण संपन्न है, चरित्रवान है। बस ज्ञानी की पहचान चरित्रवान होना, चरित्र ज्ञान की पहचान, आचरण ज्ञान की पहचान। वह हमारा कितना बदला,
नहीं बदला तो क्या उसके लिए हमारे मन में कचोट होती है, कभी ग्लानि होती है, कभी दुख का अनुभव होता है? दूसरों को मूर्ख कह देना बहुत सरल, कठिन है अपनी मूर्खता को समझना और उसे दूर करना। और इस बात में हर आदमी स्वतंत्र है, जो चाहे अपनी मूर्खता को दूर कर सकता है। और मूर्खता दूर नहीं हुई तब अनजाने को दोहा, हमारा सारा गाना कहना सुनना अनजाने के अनजाना, बस क्या गा रहे हैं पता ही नहीं है। गा तो रहे हैं, बड़े अच्छे ढंग से गा रहे हैं, बहुत सुंदर राग, इतने ढंग से गाए कि सुनने वाले लोग मुग्ध हो गए। लेकिन विचार करना तो दूर, अर्थ उसका आचरण करना तो दूर, जो गा रहे हैं उसका अर्थ भी मालूम नहीं है, बस गाना जानते हैं, कला है, अर्थ भी याद नहीं है, तो अनजाना तो हुआ हुआ। वही बात जो कही जाती है, और कही जाती है क्या, एक हकीकत, एक आदमी अनपढ़ है, पढ़ना नहीं जानता, क्योंकि अनपढ़ है, कभी स्कूल गया ही नहीं है तो पढ़ना नहीं जानता। दूसरा आदमी पढ़ना तो जानता है, पढ़ना उसे खूब आता है, लेकिन कभी पढ़ता ही नहीं है, तो दोनों में अंतर क्या है? एक आदमी अनपढ़ है, उसे पढ़ना आता ही नहीं है, इसलिए वो तो पढ़ ही नहीं पाएगा। दूसरा आदमी पढ़ना तो जानता है लेकिन कभी पढ़ता ही नहीं है, तो क्या अंतर हुआ दोनों में? हाँ, यह तो हो सकता है, जो पढ़ना नहीं जानता उसे पढ़ना सिखा दो तो धीरे धीरे वह पढ़ने लग जाएगा, पढ़ना शुरू कर देगा, और हो सकता है जिंदगी भर पढ़ता रह जाए। लेकिन जो आदमी पढ़ना तो जानता है लेकिन पढ़ने की रुचि ही नहीं है, वो जिंदगी में कभी पढ़ नहीं पाएगा। ऐसे ही एक आदमी तो अज्ञान में डूबा हुआ है, मोह माया में एकदम ग्रस्त, विषय वासना विषय भोग ही जिसके जीवन का लक्ष्य, तो सत्संग ज्ञान भक्ति का महत्व वो समझता ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए पेट भर जाए और भोग मिल जाए बस पर्याप्त, जानवर के समान है। दूसरा आदमी ज्ञान भक्ति सेवा संयम साधना का महत्व तो जानता है लेकिन कभी सेवा संयम साधना का काम करता ही नहीं है, तो उसमें इसमें क्या अंतर हुआ फिर? यह हो सकता है जो आदमी जिसके लिए पेट और भोग ही जीवन का लक्ष्य है, कभी उससे उचाट हो जाए, उसे कोई संत मिल जाए, गुरु मिल जाए, कोई सज्जन भक्त मिल जाए, बता दे,
तो उसकी संगत पा करके वह उधर से लौट जाए और सेवा संयम साधना में समर्पित हो जाए और उसका कल्याण कर हो जाए। लेकिन जो सेवा संयम साधना का महत्व तो जानते हुए भी उनसे उदासीन है, तो जानते हुए भी वह नरक में चला जाएगा, क्योंकि वो काम करता ही नहीं। इसीलिए सद्गुरु कबीर ने व्यंग में कहा, कोठी तो है काठ की, ढिग ढिग दीन ही आग, पंडित जर झोली भय, साकट उबरे भाग। यहाँ साकट साक्त मतावलंबियों के लिए नहीं है, जैसे सुबह बात आई थी साहब ने साकट शब्द का प्रयोग किया है, तो वहाँ घृणा जो साहब व्यक्त करते हैं साक्तों के प्रति, तो साक्त मतावलंबियों के लिए, एक निगुरा व्यक्ति के लिए नहीं कहते। लेकिन यहाँ जो साकट है, जिसे निगुरा कहा जाता है, भक्ति विहीन धर्म विहीन आदमी, उसके लिए है। एक काठ की कोठी, लकड़ी का मकान, पूरा मकान लकड़ी से ही बना हुआ है और उसमें जगह जगह आग लग गई। लकड़ी के मकान में एक जगह आग लगना ही खतरनाक है और ढिक ढिक दिन ही आग पास पास में अनेक जगह आग लग गई, क्या दशा होगी इसकी? वो तो थोड़े समय में जल करके राख हो जाएगा। सद्गुरु कहते हैं, काठ की कोठी में जगह जगह आग लग गई और पूरी कोठी जलने लगी, और उस कोठी में पंडित भी रहते थे और मूर्ख कहलाने वाले लोग भी रहते थे। तो हुआ क्या, जो पंडित थे ज्ञानी विद्वान, वो तो उस काठ की कोठी में की आग जब लगी तो जल करके मर गए, भस्म हो गए, और जो साकर लोग थे निगुरा निर्बुद्धि, वो भाग करके बच गए। उल्टी बात बतना चाहिए पंडितों को, ज्ञानियों को, विद्वानों को, तो वो तो जल करके राख, और जलना चाहिए था निगुरा लोगों को, निर्बुद्धि लोगों को, अज्ञानियों को, तो भाग करके बच गए। लक्षणा है काठ की कोठी, क्या है हमारा इस शरीर अत्यंत क्षणभंगुर। काठ की कोठी को जलने में कितना समय लगेगा, ऐसे ही इस शरीर को भस्म होने में, नष्ट होने में कितना समय लगेगा। तो हमारा शरीर काठ की कोठी है, ढिक ढिक दिन ही आग, सिर से पैर तक इसमें विकारों की आग लगी है। आँख नाक कान जीव त्वचा हाथ पैर और मलमूत्र की जगह सब विकार की जगह हैं। इस शरीर रूपी काठ की कोठी में जगह जगह विकारों की आग लगी है। तो हुआ क्या, जिन्हें अपने ज्ञान का अहंकार था, जो पंडित थे, जिन्हें अपने ज्ञान का, शास्त्र ज्ञान का, वेद ज्ञान का, अनेक विषयों की जानकारी का अहंकार था, वे सब मनोविकारों की आग में जल करके भस्म हो गए। विकारों की आग से अपने को बचा नहीं सके। लेकिन जो साकट थे, सामान्य लोग, चूंकि विनम्र थे, यहाँ साकट ऐसा है विनम्र सरल मन वाले, वे लोग संतों की संगति में लग करके इस विकारों की आग में जलने से बच गए, उनका कल्याण हो गया। मूल बात यह है यहाँ पर, जो अहंकारी होगा वह विकारों की आग में जल करके भस्म हो जाएगा, और जो सरल होगा विनम्र होगा वह संतों की संगति में लग करके विकारों की आग में जलने से अपने को बचा लेगा।
विद्वता की आवश्यकता है अपनी जगह पर, लेकिन विद्वता कल्याण का साधन नहीं है। यदि वो विद्वता जो बात जानते हैं आचरण में नहीं उतरी तो कल्याण का साधन है सरलता और विनम्रता पूर्वक आचरण चरित्र। इसलिए स्वामी शंकराचार्य ने कहा था कि शास्त्र ज्ञान से आप विद्वानों के बीच बैठ करके विद्वता की बात, विद्वता पूर्वक विवाद, विद्वता पूर्वक किसी विषय का निरूपण कर सकते हो, लेकिन ये विद्वता भोग का कारण बनेगी न तो मुक्तये, मुक्ति का कारण नहीं बनेगी। तो मूल बात गावे कथे विचारे नाही अनजाने का दोहा, कहीं कबीर पारस परते बिना जत पाहन भीतर लोहा। ज्ञान की बातें जानते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, किंतु विचार करके आचरण नहीं करते तो सारा गाना कहना सुनना अनजाना बन करके रह गया। और उसी प्रकार जीवन निरर्थक और निष्प्रयोजन चला गया, जैसे पारस के साथ रहते हुए भी कीचड़ और मोर्चा में लिपटा होने के कारण लोहा सोना नहीं बन पाया और धीरे धीरे जंग लग करके बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। लोहा सोना तब बनेगा जब स्पर्त होगा। हमारा जीवन सोना तब बनेगा, मूल्यवान तब बनेगा जब ज्ञान की बातें जीवन स्पर्श करेगी। स्पर्श करने का मतलब आचरण में उतरेगी। हमें चाहिए कि जो बातें हम जानते हैं उनका जीवन में प्रयोग करना, आचरण करना शुरू करें, हमारा जीवन स्वर्ण के समान चमकदार हो जाएगा और इसी जीवन हमारा कल्याण हो जाएगा। इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को यहीं पर अब विराम देता हूं।